ये बताइएगा कि ये जो रिजर्वेशंस उठाई गई हैं उनके मुताबिक जो पंजाब का सूबा है वो जो 350 बिलियन रुपीस का बजट है उसमें से सिर्फ 77 बिलियन रुपीस जो है तरक्याती फंड्स वो रिलीज किए गए हैं। तो अब ये हुकूमत के अपने अंदर वफाकी वजीर जो है वो पॉइंट आउट कर रहे हैं, वो फट पड़े हैं, क्या वजह हुई कि आज उनके अपने वजीर को जो है इस किस्म का एतराजात जो है लेकर सामने आना पड़ा? के पावर्स का जो है वो ट्रांसफर होना चाहिए निचली सतह तक और जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज है, लेकिन एक बात उनको एडिशनल ये होती है कि जब प्रोविंसेस के इश्यूज हैं तो प्रोविंसेस को ही कानून साजी करनी है, और मेरा ख्याल है जो कानून साजी जहाँ पे हुई है वहाँ पे उसके मुताबिक अमल हो रहा है। वैसे चौधरी साहब को इससे ज्यादा खत लिखने ये लिखना चाहिए था कि भाई आपने जो इतनी महंगाई का तूफान खड़ा किया हुआ है, आप रोजाना बगैर सोचे समझे तेल की, गैस की, इलेक्ट्रिसिटी की कीमतें बढ़ा रहे हैं, आप तो अमेरिका में यूनाइटेड नेशंस के बाहर साइडलाइंस में बैठकर तय करके आते हैं कि मलेशिया में एक कॉन्फ्रेंस होनी है और सऊदी अरब में जाकर सरेंडर करके देते हैं, और जो फेडरल गवर्नमेंट के जो क्योंकि वो फेडरल मिनिस्टर है उनकी परफॉर्मेंस क्या है, उनके कैबिनेट की परफॉर्मेंस क्या है, फेडरल गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस क्या है, उस पर बात करते तो ज्यादा ठीक था। वैसे ये मशहूर अच्छा है कि जो भी कानून है प्रोविंस में और कॉन्स्टिट्यूशनली जो जो चीजें करनी है वो उन पे अमल होना चाहिए, वो फेडरल गवर्नमेंट हो, प्रोविंस हो या कहीं पे भी, रूल ऑफ लॉ का होना चाहिए जो यहाँ पे नजर नहीं आता है। तो इसके लिए भी उनको फेडरल कैबिनेट में ये चीजें लानी चाहिए कि ये